देख रहे हैं ghamasan.com, मैं हूं आपके साथ आगिशा और हम आपको बता रहे हैं महेश्वर में चल रही दबंग 3 की शूटिंग में सोमवार को सलमान खान ने एक तरफ ठुमके लगाए तो दूसरी ओर साइकिल स्कूटर पर लोगों को नजर आए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि महेश्वर और माधव में आगे क्या क्या होने वाला है दबंग 3 की शूटिंग के दौरान। महेश्वर में सोमवार का दिन सलमान खान के नाम रहा। एक तरफ सलमान ठुमके लगाते हुए नजर आए तो दूसरी ओर स्कूटर और बाइक और साइकिल्स पर महेश्वर का दौरा करते हुए नजर आए। शूटिंग सुबह 10 बजे अहिलेश्वर मंदिर में स्थित शिवालय के पूजन के साथ प्रारंभ हुई। सुबह सेट पर अरबाज खान व प्रभु देवा पहुंचे, जिन्होंने भगवान श्री गणेश, शिव व देवी श्री अहिल्या का पूजन किया। इस दौरान पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजन करवाया। इसके बाद फिल्माए जाने गाने के दृश्यों की रिहर्सल चलती रही। अहिलेश्वर मंदिर परिसर में तैयारियों के बीच 11:30 बजे सलमान खान भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पहुंचे। राजवाड़ा परिसर स्थित होटल अहिल्या फोर्ट में रुके सलमान खान के सेट पर पहुंचने के लिए जैसे ही रेवा सोसाइटी वाला दरवाजा खोला गया, इस दरवाजे में सलमान की एक झलक पाते ही चोमू के दरवाजे में खड़े दर्शकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ग्रे टी शर्ट पहनकर सलमान खान सुरक्षा के बीच सेट पर पहुंचे। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। दोपहर 12 बजे सलमान खान नीले शर्ट के साथ चश्मा लगाकर सेट पर पहुंचे। इसके बाद हुड़हुड़ दबंग के बेस गिटार का म्यूजिक बजने लगा, जिस पर 4-5 बार यह सीन ओके होते ही इसके विपरीत दिशा में अंतरे के बॉल पर फिर गाने का फिल्मांकन किया गया। पिछले हिस्से में भस्म उड़ाते साधु के साथ युवक युवतियों की टोली के बीच कैमरे के बिल्कुल नजदीक से सलमान खान ने अपना शॉट किया। 4-5 रिटेक के बाद यह शॉट ओके हुआ। इसी प्रकार लंच तक इसी गीत के अन्य दृश्य फिल्माए गए। इसके बाद मुख्य घाट पर नर्मदा मंदिर लक्ष्मीबाई की छतरी के सामने सामूहिक विवाह का दृश्य फिल्माया गया। चुलबुल पांडे ने के सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया। ऐसी जानकारी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।